जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। जब लगे प्यारी आत्मा, काल को परमात्मा कह रहे हैं कि जब तक ये आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी, तब तक हे काल तेरा कोई अटैक इस पर नहीं हो सकता। हम अपनी गलती से मार खाते हैं, मर्यादा तोड़ देते हैं, और जिस कारण से काल का दाव लग जाता है। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो मर्यादा तोड़ भी देते हैं, उनको कोई हानि भी नहीं हो रही होती है, क्योंकि अभी वो हानि होने का कोई पाप कर्म निकट नहीं है उनका। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि हमने नाम भी त्याग दिया, शरण भी छोड़ दी, और हम सारे वही कर्म कर रहे हैं जो पहले करते थे, हम भी ठीक हैं। वो ठीक ठाक नहीं है। जैसे ये सेट डाल रखा है, जून का महीना है, रात्रि के समय कोई इससे बाहर जाकर बैठ जाता अंधा, और वो कहता मैं तो शेड छोड़कर आ गया, मुझे क्या आपत्ति आ रही है, सूर्य उदय होने दे, तेरी टाँट में लग जाएगी वह गर्मी, जब पता लगेगा तुझे शेड छोड़ आने से क्या हानि हुई। जब तक रात्रि है इतने कोई नो प्रॉब्लम, और ऊपर से वर्षा होगी, ओले गिर गए सिर फोड़ेंगे, तब पता चलेगा शेड छोड़ने के से कितनी हानि होगी। इसी प्रकार जब तक परमात्मा कहते मेरी शरण में हो, काल का अटैक नहीं होगा, और मर्यादा तोड़ देने से फिर काल कुछ भी कर सकता है। तो इस कारण से परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे नी तेरा बाना। काल की एक चाल है कि किसी ना किसी सिरफिरे को भेज देगा, पहले कभी नहीं आया होगा। जैसे कोई रोगी यहाँ आता है और दीक्षा लेता है, दीक्षा से पहले हम उनको 100-100 बार समझाते हैं ये मर्यादा है, ये नहीं करना, जाड़े निलवाने और पूजा नहीं करनी, जो हम बताओ यही करनी। यहाँ तो वो मान लेता है क्योंकि दुखी है। घर जाता है उसको पता चलता है कहाँ गया था काल के दूत को, कैसे ऐसे सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से दीक्षा लेकर आए हैं। वो कहता नहीं नहीं वहाँ चलो, वहाँ झाड़ा लगते ठीक हो जाता है। वो वहाँ ले जाता है क्योंकि रिश्तेदार है। अब वहाँ से तो लाभ मिलना ही नहीं था, जो यहाँ से मिलना था भगवान का हाथ उठ गया, भगवान ने अपना हाथ ऊपर हटा लिया उससे, अगले तो वहाँ खा ले धक्के, और तो फिर उसको लाभ नहीं होता। जो राहत यहाँ से मिली थी उसके बाद फिर वहाँ झाड़ा लगवा लिया, उसका आशीर्वाद ले लिया किसी से, कोई जंतर मंतर करवा लिया, कोई धागा तबीज बनवा लिया, वो फिर से रोगी हो गया, और फिर आते हैं मुँह लटका के, गलती बन गई, आराम हो गया था, फिर आराम हो गया था वहाँ भाड़ में पड़ने गए थे, फिर किस लिए गए थे वहाँ पर आप? तो ऐसे फिर वो मार खाते हैं, उनकी नीत में दृढ़ता नहीं होती, परमात्मा को पता होता कि फिर डूबेगा कितन कितन, तो वो लोग राहत प्राप्त नहीं करते, वो फिर मर ही जाते हैं। तो कहने का भाव ये है दास का कि परमात्मा कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना, आना मन मर्यादा में, और तब तक लगे नी काल तेरा बाणा, बाण माने तीर,